ये गायक सुबोध कुमार की आवाज में पहुंच रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सोना और लोहे के झगड़ा को सुनकर के बड़े हर्षित होंगे। माफ करें, ये तिलिया डाड़े के श्री राम भरोसे सिंह और टेलर जी ने हमें लिख करके दिया है, वो आपके समक्ष पेश हो रहा है। एक बार मनोज भैया, सोने में और लोहे में बैस छिड़ी गई, तो सोनो अपनी एहसान दिखा रहा है, लोहा अपनी कह रहा है, तो कैसे क्या हुआ? कि अपनी अपनी शान दिखावे ना हगटारो झगड़ा है, और एक समय पर होन लगो लोहा कंचन में झगड़ा है। अपनी अपनी शान दिखावे, ए अपनी अपनी शान दिखावे ना यकटारो रगड़ा है, एक समय पर होन लगो लोहा कंचन में झगड़ा है। जब झगड़ा हुआ तो सोना आगे बढ़कर लोहे के पास गया, कहने लगा, ए तुम नहीं जानते हो संसार में कितनी कदर हमारी है। तो लोहा बोलो, तुम्हारी क्या कदर है, एक बात हमें बता। तो सोना बोला, कि सोना कहने लगो लोहे से जग में कदरी हमारी है रे, जग में कदरी हमारी है, सोना कहने लगो लोहे से जग में कदरी हमारी है, और मेरे सवाया भूषण पे मैं बड़े घरन की नारी है, भैया बड़े घरन की नारी है, संसार में हमारी जितनी कदर है उतनी तुम्हारी नहीं हो सकती है, छोटे मोटे हमें धारण भी नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े घरों में हमारी ज्यादा कदर और हमसे उनकी कदर है। छल्ला छाप अंगूठी मेरी कोई लड़कर तनों में डाली है, कानन कुंडल नाक नथुनिया बेसर की छवि न्यारी है, भैया बेसर की छवि न्यारी है, कानन में कुंडल नाक में नथुनिया और एक बेसर की इतनी अच्छी छवि, और गले में हमारी पड़ी हुई लर किससे शोभा होगी, हमसे होगी या तुमसे होगी? तेरो कोई ना आभूषण पहने अनुज भैया, तेरो कोई नया आभूषण पहने छवि मोड़ दे मुखड़ा है, एक समय पर होने लगो लोहा कंचन में झगड़ा है, भैया लोहे कंचन में झगड़ा है।
मेरे भक्तों, जब लोहे ने इतने वचन सोने के सुने तो लोहा कहने लगा, एक बात बताओ, तुम कहां अच्छे हो? बड़े घर की नारी तुम्हें धारण करती हैं, बेचारी छोटी छोटी रह जाती हैं। लेकिन एक बात तो हम कहे, तूने हमें ना पहचान पाओ है, तो क्या बोलो? अरे तूने ना हमको पहचाना, और तू अपनी कर तो बढ़ाई, और दुनिया में जो चले मसीने मेरी सब बनवाई। देखी, लोहे ने सोने से कही, जो संसार में जितनी मशीनें चलती हैं सब हमारी बनी है। वो हम किन की बताएं, हमारी सामने प्रिया कैसेट कंपनी अनुज भैया को माइकू लोहे को ही लगो है, सब मशीनें लोहे की धरी है। तूने ना हम तोरे अपनी कर तो बढ़ाई, दुनिया में जो चले मशीने लोहे की बनवाई। और बेसुमार ताकत है, उड़ता जा जो हवाई, और तेरी एक कील का इनमें पता काम का आई। देखी घर की कासगंज से कानपुर के लिए लाइन गई है, कम सोना तो नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं, लोहा कह रहा है सोने से। अरे गाड़ी चिर कर ले और रिक्शा, और चले हमारे छकरा, एक समय लोहे कंचन में होने लगो है झगड़ा। मेरे प्यारे बंधुओं, जिस समय इतनी बात लोहे ने कही, हमारी ट्रक बने, हमारी जीप बने, और हमारी साइकिल बने, हमारी बाइक बने, एक एक करके गिनती लगाता हुआ लोहा बोलो, लोहे के जो वचन सुने सोने ने सुबह की आग लग गई। जब आग लग गई तो सोनो कहने लगो, लोहा कि तेरी कदर कहां पर होती है। लोहे से कही सोने ने, कहां कहां तुम्हारी कदर होती है वो मैं बताऊंगा। कि तेरी कदर कहां पर होती है, और तूने अपनी बकी डाली है। Thank you.
है और उज्जल रूप स्वरूप हमारो बोल तेरी काया कलिए बचन सोने ने कहे तेरी तो भैया काली सूरत है हमारी तरफ देख कितना हमारा उज्जवल शरीर है उज्जवल रंग है हमारा उज्जवल रूप है बड़ी बड़ी घरों की नारियां हमको धारण करती हैं उनके अंग को मैं शोभा मान करते हैं लेकिन सोना बोला तुम्हारी कदर कहां कहां होती है कहां कहां मोरी नाली है हर दम तू अंधो कुतो रहता और काल बजाए रहो खाली है हर वक्त तू अंधा पुता रहता रबी तेरी बने हावड़ा तेरो बने जो नाली में गंदगी होती है उसकी सफाई होती कहां तेरी कदर है लेकिन दिन भर मिट्टी में घूर कुड़ावे और पाता दिन भर ही टुकड़ा है एक समय पर होने लगो लोहा कंचन में झगड़ा है मेरे प्यारे भक्तों जिस समय सोने ने इतने वचन कहे सो लोहा लाल है लोहा बोलो इधर सुनो तुम जहां जहां जाता उससे हमारी कदर ज्यादा है तुम्हें देख करके चोर डकैत तुम्हें लूट ले जाते तुम्हें ही नहीं बड़े बड़े घर की नारियों की इज्जत चली जाती है तुम्हें देख करके और देखो तुमसे कानून फटते देखो विनोद भैया डाले इधर जब इतने वचन सुने हैं लोहे ने तो लोहा अपनी बड़ाई करता हुआ बोला ब्रजेश जी क्या बोला कि सब योजार हमारे बनते ओ बने निहाई मेरी और हाथ हथौड़ा है लोहे को काया टूटी तेरी तुम्हें बनाने वाले तुम्हारी कहीं लर बनती है कहीं अंगीठी बनती है कोई पजे बनते है तो कमर में लगाओ जाए तो क्या होता है झमका झमका बनता है लेकिन जब तुम्हारी नस नस कुटती है तो हमसे कुटती है हमसे अरे सब औजार हमारे बनते बने न्याई मेरी हाथ हथौड़ा है लोहे का नस नस कूटी तेरी अरे कैंची प्लस हमारे बनते सड़सी बनती मेरी आई समझ में तब ते बड़ाई करता है सरवन आया थे कैंची हमारी बनती प्लास हमारे बनते तुम्हारा कौन सा सामान है
जंप लेना पर जा तेरे को कूट देते हैं। अरे कैची प्लाशो हमारे बनते सरसी बनती मेरी, हाय उसी प्लाश से पकड़े पकड़ के नस नस ऐठी तेरी, उसी प्लाश से पकड़ पकड़ के नस नस कूटी तेरी। लेकिन इधर सुन, सोने को फिलल करता हुआ बोला लोहा, मेरी कैची ही तुझको करती है कई टुकड़ा, मेरी बनी हुई कैची तेरे ही करती टुकड़ा। और एक समय पर होने लगो लोहा कंचन में झगड़ा, एक समय पर होने लगो लोहा कंचन में झगड़ा। जब लोहा में और सोने में बेस ज्यादा छिड़ी तो सोना अंत में हार गया और अनुज भैया हार के गौ का। धीरे धीरे बन की जो घुंघची ना होते है वहां पहुंच गो सोना, और घुंघची से जाएगा बोलो इधर सुनो, तुम बन में रहने वाली हो लेकिन तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल लाल है, थोड़ा काला भी है, एक बात सुनो। तो घुंघची से सोनो बोलो, का बोलो मस्ताना, सोच तो जा तो हमने अपनी बड़ाई तो करी है घुंघची से, लेकिन ऐसो ना जब कहीं हमें भी पछाड़ दे। लेकिन सोना सोच तो है, अरे सोना सोच है मन अपने में, काम भयो अनहोनो। और एक समय घुंघची से भैया बतलाए रहो है सोनो, काम भयो हनो। एक समय पर रिस हुए के घुंघची से बोलो सोनो, रिस होकर के सोना कहने लगा घुंघची एक मेरी बात सुनो। घुंघची बोली का सुनायो सुना, हम तो तुम्हें जानते हैं कि तुम रिस्के मारे आए हो, गुस्सा में छाए हो, हैं सुना। अरे सोनो के न लगो घुंघची से, और भाव अपमान हमारो, सोनो कहना लगो घुंघची से और भव अपमान हमारो। और तेरे संग हमें तोलो है तेरो है मुकारो, गोरे घुंघची से भौ अपमान हमारो। आई तेरे संग हमें तोलो है तेरो ही मुखकार। हमारा तो अपमान कर दिया दुष्ट लोहे ने, लेकिन तेरे साथ में मुझे तोल दिया, तेरा मुंह देख कैसा काला काला है काला। सोना घुंघची से बोला, या ओ चल रूप स्वरूप हमारो,
चल रूप स्वरूप हमारो कोई तेरो मुख तिर को एक समेत हो करके घुंगी से बोलो सोनो तेरा मुख त्रिकोणा है, मेरा उज्जवल स्वरूप है, तेरा मुख काला है, लेकिन घुंघची बोली देखो 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 ये थी बात है कत्वे को गुस्सा के मारे कुछ चलो ही ना जा जा रहा है। एक बात सुन, सोना मुझे नहीं जानता था मैं लालन की लालनी हूं, तो घुंघची वो सोना से कटपीस करती हुई बोली के लालन की हम सुता लाड़ली लाले रंग हमारो रे लालन की हम सुता लाड़ली लाले लेकिन सोने एक बात सुन लालन की हम लाडली हूं इसलिए हमारा कलर लाल है। जब से संग में तुली तेरे तब ही से मुखड़ा कालो रे जब से संग तुली तेरे तब ही से मुखड़ा कालो रे जब से मैंने तेरी संगत पकड़ी तब ही से हमारा ये मूल काला हो गया। लेकिन एक बात और सुन तेरी संगति मैं दुख उपजे हमें पढ़ो अब रोनो रे एक समय पर रिसव होकर घुंघची से बोलो सोनो रे इतने शब्द कहे तुम्हारे संग जब हम जब तुली गई तभी से हमारी ये शिकायत आ गई। अब गुस्सा में भरो भाव सोनो बोलो सोनो घुंघची क्या कह रही है तू लालन की लाडली बता रही है तो शर्म ना याद कात लालन की लाडली हूं। लेकिन एक बात सुन तू झाड़ी के रहने वाली मेरो पास तिजोरी है और मेरे बिना ब्याह शादी में होती कदरी अधूरी है। एक बात सुनो तुम तो झाड़ियों की रहने वाली हो लेकिन बड़े बड़े ब्याह शादियों में जाकर के तुम देखो अगर हम नहीं जाएंगे तो लाठी चल जाएंगे। ध्यान रखना हम जाकर के हर एक की इज्जत बचाते हैं। और आप लोग जानते हुए भैया जब शादी होती है मस्ताना जी तो वहां में सोने की लरन आ जाए सोने की अंगीठी ना आ जाए और एक और चीज कम है जाए तो बड़ी दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी है। तो सोना अपनी बात कहता हुआ बोला
मेरे बिना ब्याह शादी में होती कदरी अधूरी है। लेकिन एक बात और सुन भोग जी, अरे हमसे तेरी यहां अंदर सजाती वो प्यारी और कोनो है, हमसे तेरी यहां अंदर सजाती हो प्यारी और कोनो है, एक समय पर निश्चय होकर भुगची से झगड़े सोनो है। लाल मुंह करके घुंगची बोली, कब बोली, अरे घुंगची बदलाई मस्ताना, घुंगची बदलाई सोई सुन सोना के वतन फिर से घुंगची बदलाई। घुंगची आगे बड़ी और सोने से कही, क्यों तुमसे स्त्रियां अंग सजाती हैं, लेकिन अंग ही नहीं सजाती हैं, अंग लुटाती हैं। घुंगची बोली, तो क्या बोली, क्या तुझे पहन कर तिरियां चलती जगह जगह लुट जाती हैं, तुझे पहन कर तिरियां चलती जगह जगह लुट जाती हैं, तो ये बच्चा बन मैं कुछ तिरियां अपनी जान गमाती हैं। जगह जगह पर माताएं बहने तुझे धारण करके लुट जाती, लेकिन तुझे बचाने की खातिर कुछ तो अपनी जान को गमा देती है। ये तो होलो कहां है भैया, तुझे पहन कर के तिरिया जगह जगह लुट जाती है, तो ही बच्चा मन में देखो अपनी जान लुटाती है। लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूं, ये छंद हमें मिला है टेलर जी के माध्यम से, और आप लोग सुन रहे हैं प्रिया कैसर कंपनी में, ये लोहा और कंचन का झगड़ा, गायक सुबोध के मुखारविंद से, गायक सुबोध कुमार शास्त्री जी के आवाज में आप लोगों से आ रहा है ये लोहा और कंचन का झगड़ा। लेकिन इसमें प्रमाण ये मिला, अहंकार था उनमें, लोहे में भी थोड़ा अहंकार था और सोने में सबसे ज्यादा अहंकार था, इसलिए बंधुओं अहंकार को त्याग कर उन त्रियन को सुन सोनो असुवन से गदोनो है, जो माता बहने लुट जाती है आंसुओं से मुक्त होती है। उन त्रियन को सुन सोनो अजुन से मुख धोनो है, एक समेर से हो करके घुंगची से बोलो सोनो है।
तेरी बानी है। ऐसा से प्रभु को भजन करो जा, थोड़ी सी जिंदगानी है। उम्र बीत गई सारी है मस्ताना, तासे हरि को भजन करो ना हो जीवन की ख्वारी है। मनोज यादव नगला दत्ता से ढोलक मधुर बजाई है। विनोद भैया ने चिमटा पर सुंदर झनकार दिखाई है। प्रिया कैसेट कंपनी में आज सुबोध रहे समझाई है। और हर्षित होकर अनुज धाता ने रिकॉर्डिंग दई दर्शाई है। रामीर शुक्राम मामा मेरे रे हिलमिल गले लगाई है। और ब्रजेश यादव अनुज धाता मेरे मन में गए समाई है। असली रिकॉर्डिंग प्रिया कैसेट में तुम भैया ले मंगवाई है। और काम खैरपुरा में मिलती खुद बाइक से पहुंचो जाई है। बाइक से खैरपुरा में पहुंच सकते हो। अनुज भ्राता जी के यहाँ पर सुंदर सुंदर रिकॉर्डिंग, लेकिन अब तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया मस्ताना जी, मोबाइल खोलो यूट्यूब में सवरी ले मंगवाई है। प्रिया कैसेट के अनुज भ्राता यूट्यूब में पड़े दिखलाई है। बीरन कर ले हर को बद नहीं अने दुई दिन को मेला है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें प्रिया कैसेट कंपनी खैरपुरा अलीगंज एटा। मोबाइल नंबर 9457 022704।